आईपीएल 2023 को लेकर के दो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आई है और सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एडन मैलक्रम विल लीड सनराइजर्स हैदराबाद इन आईपीएल 2023। अब जाहिर है कि एडन मैलक्रम के साउथ अफ्रीका टी20 लीग में जो उनको सक्सेस मिली उसको ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। काफी ज्यादा उस सक्सेस से इन्फ्लुएंस ये फैसला है और एडन मैलक्रम उससे पहले साउथ अफ्रीका के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं और इस बार फ्रेंचाइजी ने उनमें कॉन्फिडेंस दिखाया है एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, क्योंकि एस ए20 शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा उनको रेट नहीं किया जा रहा था एज ए यूनिट सनराइजर्स ईस्टर्न केप को, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नीचे से उठ करके उन्होंने फाइट बैक किया और ट्रॉफी अपने नाम की उसको लेकर के और एडन मैलक्रम के लीडरशिप को लेकर के टीम ने यह फैसला किया है। अब मुझे हैरानी इस चीज की है कि जब उनको एडन मैलक्रम को ही कैप्टन बनाना था, जब एडन मैलक्रम उनकी सोच में थे, तो फिर उन्होंने मयंक अग्रवाल को मेगा ऑक्मिनी ऑक्शन में क्यों खरीदा? क्योंकि अगर आपने मयंक अग्रवाल को ना खरीदा होता, हैरी ब्रूक पर आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, तो आप सैम करन को अपनी टीम में ले सकते थे जिससे आपका जो बैलेंस है वो और ज्यादा बेहतर हो जाता। हालांकि इसकी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस समय उन्होंने मयंक अग्रवाल को लिया होगा कि हमें एज एन इंडियन कैप्टन मयंक अग्रवाल को लेना है, बट क्योंकि अच्छी सक्सेस मिली है, उन्होंने टूर्नामेंट जीता है SA20 का, इसी वजह से एडन मैलक्रम पर फ्रेंचाइजी ने इस साल भरोसा जताया है। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा से ये रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में आपको एक भारतीय कप्तान ही बनाना होता है, बिकॉज अगर आप ओवरसीज कप्तान बनाते हो और ओवरसीज कप्तान अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, जो कि लास्ट ईयर हो चुका है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जब केन विलियमसन ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, तो एक बेशकीमती ओवरसीज स्लॉट पर वो बैठे रहते हैं, बिकॉज उनको प्लेइंग 11 से बाहर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है या फिर आपको बीच टूर्नामेंट में एक कप्तान चेंज करना पड़ता है। लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद ने फैसला ले लिया है एडन मैलक्रम को कैप्टन बनाने का एंड हियर्स होप कि एडन मैलक्रम SA20 की तरह ही आईपीएल 2023 में भी कमाल का प्रदर्शन करेंगे। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरह ही दिल्ली कैपिटल्स भी डेविड वार्नर को अपना कप्तान बनाने का पूरा तरीके से फैसला कर चुकी है और काफी सारी रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर रही है कि किसी भी समय डेविड वार्नर की कप्तानी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स ने अनाउंस कर दिया हो कि डेविड वार्नर उनके कप्तान रहेंगे, एंड अनलाइक सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स के पास यहां पर बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं थी। या तो फिर आप अक्षर पटेल के पास जाओ, इवन पृथ्वी शॉ के पास आप जा सकते हो, मनीष पांडे को आपने लिया है, लेकिन फिर क्या आप मनीष पांडे को परमानेंटली प्लेइंग 11 में देख रहे हो? ये सारे सवाल थे। अगर वहां पर रविचंद्रन अश्विन होते जैसे वो सवाल 2020 में थे तो शायद एक बार फ्रेंचाइजी उनके बारे में सोच सकती थी, बट क्योंकि डेविड वार्नर की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल जीत चुकी है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको कप्तानी का, एडन मैलक्रम पहली बार हैदराबाद की कप्तानी करेंगे आईपीएल में, लेकिन डेविड वार्नर उसी टीम की कप्तानी करते थे और कप्तानी जब वो करते थे तो उनकी बल्लेबाजी और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती थी, तो एडन मैलक्रम की तरह ही अब डेविड वार्नर भी एक ओवरसीज कप्तान होंगे, यानी कि आपके दो ओवरसीज कप्तानों का इजाफा होगा इस साल। हालांकि हैदराबाद के कप्तान पिछले साल भी केन विलियमसन थे, इस साल लोगों का ऐसा मानना था कि शायद बेन स्टोक्स की तरफ टीम जाएगी, लेकिन मुझे उस पर पहले से भी थोड़ा डाउट था। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि एक आपको ऑलराउंडर को टारगेट कर सकती थी हैदराबाद, बट दे चूज मयंक अग्रवाल एंड हैरी ब्रूक। देखना होगा उनके लिए यह फैसला कैसा होता है और वार्नर के कप्तान बनने के बाद अब देखना होगा कि बतौर विकेट कीपर दिल्ली कैपिटल्स किसे खिलाती है। उसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो अलग तैयार की थी, लेकिन अब चूंकि डेविड वार्नर की कप्तानी की कॉन्फर्मेशन आने वाली है तो उसको नए सिरे से हम बनाने की कोशिश करेंगे। एट द मोमेंट दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान डेविड वार्नर बनने वाले हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तान बन चुके हैं एडन मैलक्रम। तो इन दोनों ही डिसीजन पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या डेविड वार्नर एक बार फिर से अपनी कप्तानी का जलवा आईपीएल 2023 में दिखाएंगे और क्या SA20 की सक्सेस को रेप्लीकेट कर पाएंगे एडन मैलक्रम। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने कर दिया है, जहां पर हमारे एक नए पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है और हमारी पहली गेस्ट है सुरभि बैज, जिनके साथ एक कमाल की कॉन्वर्सेशन मैंने की है। आई होप आपको वो भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। मेक श्योर टू चेक दैट आउट टू एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।